नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज नेटवर्क। हमारे इस खास शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गांव के विकास के लिए जनता जो होती है वो प्रधान चुनती है कि हम एक ऐसे अच्छे प्रधान को चुनेंगे जिससे पूरे गांव का चहुमुखी विकास होगा और गांव की समस्याओं को लेकर वो उनके लिए संघर्ष करेगा और एक स्वच्छ, सुंदर और निर्मल गाँव बनाएगा। चूँकि आप लोग सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और इस बार के पंचायत चुनाव में युवाओं द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है और युवा प्रत्याशी जो है वो पंचायत चुनाव में आ रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे अपने इस वीडियो में कि युवाओं के आने से किस प्रकार से पंचायत चुनाव एक नई दिशा की तरफ जाएगा और किस प्रकार से वो एक नई सोच के साथ, नए विचारों के साथ पंचायत चुनाव में आएंगे, किन नए मुद्दों के साथ उतरेंगे जिससे जनता उनकी तरफ आकर्षित हो। तो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में हैं और जनपद बहराइच की रिसिया ब्लॉक के कन्या ग्राम पंचायत में हैं, जिसमें हम आज मोहम्मद इमरान से बात करेंगे। मोहम्मद इमरान जो है वो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं यहाँ से और इसके साथ ही वो एक युवा हैं और युवा होने के नाते वो अपने गांव का किस प्रकार से विकास करेंगे, आज उनसे हम बातचीत करेंगे। इमरान जी, हमारे खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आप एक युवा हैं जी, आप एक युवा हैं और युवा होने के नाते आप गाँव की समस्याओं को अक्सर उठाते रहते हैं और आप किन नए मुद्दों के साथ इस बार ये प्रधान पद का चुनाव जो लड़ रहे हैं, किन नए मुद्दों के साथ लड़ रहे हैं? क्योंकि एक शिक्षित होने के नाते हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अभी तक गांव में बहुत सारी समस्याएं रही हैं और आप जो नए मुद्दे लेकर आए हैं कौन कौन से नए मुद्दे हैं? सर, हम नए मुद्दे लेकर आए हैं कि हम अपने नए लोगों के साथ विमर्श करेंगे और नए नए नीतियों को अपने गाँव तक पहुँचाने का काम करेंगे और जो सरकार की विभिन्न योजनाएं होती हैं वो गांव तक पहुंच नहीं पाती हैं और युवाओं को जोड़ करके ही नई दिशा दिखाई जा सकती है। युवाओं को आप जोड़? हाँ, युवाओं को जोड़ करके नई दिशा दिखाई जा सकती है और युवा एक ऐसा होता है कि युवा जब जुड़ेगा तभी विकास संभव हो सकता है। युवाओं के, आपके हिसाब से कि युवाओं के जुड़ने से ही विकास संभव होता है? अभी तक आपके गाँव में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो पिछले टेन्योर में जो नहीं? बहुत सारी समस्याएं हैं सर, कि जो सरकार की सारी योजनाएं होती हैं, लाभ होते हैं, वो जन जन तक पहुंचने की समस्याएं होती हैं और पानी की मुद्दा होते हैं, शिक्षा का विकास होता है, शिक्षा का विकास नहीं होता है, बहुत ऐसी सारी समस्याएं गांव समाज से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे हम ग्राम पंचायतों देख रहे हैं जहाँ पर सड़क की समस्या है, पानी की निकास की, हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पर कोई, मतलब आसपास कोई क्लिनिक नहीं है या इसके अलावा वहाँ पर कोई क्लिनिक नहीं है, स्वास्थ्य के लेके और इन सब चीज़ों को लेकर आपके गांव में किस प्रकार की जी? सर, यही सोच लेकर के हम उतरे हैं, अपने मुद्दे को लेकर के उतरे हैं कि अगर हमको गाँव वालों ने समय दिया, युवाओं ने समय दिया, तो हम नई तकनीक को आगे बढ़ाएंगे और नई नई सोच जो है हमारी वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर चिकित्सा के क्षेत्र में हो, जो भी समस्याएँ दिख रही हैं उन समस्याओं का हम निराकरण कराने का प्रयास करें। आप एक यूथ हैं जी, एक युवा है, एक अलग सोच है जी, आप हाईली क्वालिफाइड हैं जी जी और प्रधान पद के प्रत्याशी हैं अपने यहाँ से जी जी, आपको क्या लग रहा है कि आपके आने से या युवाओं के आने से राजनीति में कुछ नया कोई सिनेरियो तैयार होगा? बिल्कुल नया सिनेरियो तैयार होगा, क्योंकि नए लोग ही अपनी सोच के हिसाब से नई राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं और नई सोच के साथ विकास कर सकते हैं गांव का। बाकी पुरानी सोचें तो बहुत आई, बहुत चली गई, उन लोगों ने कोई ऐसी सोच नहीं दिखाई गांव में कि हमको कोई टीम बनाना है, बच्चों को अगवा करना है या बच्चों की सीख के लिए कोई और संस्थाएं अलग से व्यवस्था करानी है, कुछ ऐसी समस्याएं नहीं बन पाई। इसको अगर कोई कर सकता है तो युवा ही कर सकता है, नए युग वाला ही कर सकता है। आपके यहाँ बिजली की, पानी की, सड़क, चिकित्सा, इन सब चीज़ों को लेकर और कुछ आप तो हमारे वीडियो में शेयर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में हमेशा ये देखिए कि सड़कों पे नाली भरा, पानी भरा रहता है, नाली की व्यवस्था नहीं हो पाती है। इन्हीं सब सोचों को लेकर के गाँव वालों से हमने आग्रह किया कि इस बार आप लोगों को कोई युवा ही नेता चुनना होगा कि आपका विकास हो सके। अपनी जनता के लिए और अपने आपके जो वोटर्स हैं उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? बस हमारी यही खास तमन्ना है कि हम अगर चुनाव जीते तो हम ये नए नए तकनीकों को अपना सर्च करके अपने गांव में लाएंगे और विकास करें।
तो दोस्तों आज हमने मोहम्मद इमरान से बात की है और मोहम्मद इमरान जो है वो प्रधान पद के प्रत्याशी हैं कन्या ग्राम पंचायत से, जनपद बहराइच के रिसिया ब्लॉक से, और ये यूथ हैं और यूथ को लेके इनका सोच बहुत अच्छी है। अगर ये इनका कहना है कि अगर ये जनता इनको चुनती है तो ये गाँव को, चाहे बिजली, पानी, सड़क और इसके अलावा स्वास्थ्य को लेके और खेल का मैदान, ये सब चीज़ों को इनके लेकर सोच है कि युवाओं को आगे बढ़ाएंगे और जो भी समस्याएँ गाँव में और यहाँ के जो लोग जो भी समस्याओं से जूझ रहे हैं उनको पूरी तरह से उसको हटाने का प्रयास करेंगे। मोहम्मद इरमान जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।